वर्दी एसएसपी डोडा, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर, हमारे अन्य सीनियर ऑफिसर्स, हमारे योगी योगिनी जो हमारे गुरु हैं यहाँ के आज की इस फंक्शन में जिनकी सरबराही में ये सब हो रहा है, आई वुड से उन्हीं के हो रहा है क्योंकि वही हम सबसे ज्यादा आयुष को जानते हैं, पहचानते हैं और उसका एक मैसेज जो जनता में जाता है उन्हीं के थ्रू जाता है। तो सबसे पहले मेरा उनको नमन। आप सबको आज आयुर्वेदा डे पे बहुत बहुत बधाई हो। जैसा अभी मैडम ने बताया कि आयुर्वेदा की क्या रेलेवेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, इस चीज का एहसास मुझे भी अपनी जिंदगी में काफी लेट हुआ। बट मेरी पिछली पोस्टिंग जो कि जम्मू में थी तब मैं आयुर्वेदा से थोड़ा जुड़ा, योग मेरे जो अपने डीसी साहब थे उनके साथ मिलकर मैं योग भी करता था और फिर मुझे एहसास हुआ कि योग से शरीर को क्या क्या फायदे हैं। हम स्कूल से बचपन से हमें पीटी एक्सरसाइज यही बताया जाता है पर हमें ये नहीं बताया जाता कि योग भी कोई चीज है जो हमारे टाइम शायद नहीं था आज है। जैसे मैं एक्टिविटीज देख रहा था जो डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर साहब ने बताए, स्कूल्स में एक्टिविटीज हो रही हैं, रैलीज हो रही हैं, योग को प्रमोट किया जा रहा है। हम सब एक बहुत डिफिकल्ट दौर से गुजरे हैं जिसमें कोविड ने हमारी सोसाइटी को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया उसमें त्रस्त हो गई। बट फिर हमें अगर किसी चीज ने वापस लाया तो वो योग है। उसी अराउंड हमारे देश में योग के इम्पोर्टेंस को पहचाना गया और इंटरनेशनल योग डे भी मनाया जाना शुरू हुआ। और जब उसके फायदे लोगों को समझ आए, जब ये समझ आया ये कि ये किसी मजहब से नहीं बल्कि इंसानियत से चलता है, बल्कि इस शरीर से चलता है, इस शरीर की क्या क्या जरूरत है, क्या क्या शरीर की कैपेबिलिटीज है उसको पहचाना गया, तो योग की इंपॉर्टेंस को समझा गया। आज हम इस स्टेज पे हैं कि आज के इस आयुर्वेद डे पे हम योग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक आयुष का जो एक कॉम्बिनेशन है, आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसको जो एक कंबाइन करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ये एक बहुत अच्छी पहल थी हमारी सरकार की ताकि हम इन चीजों की रेलेवेंस जाने और ना हम सिर्फ एलोपैथी की तरफ विश्वास करना शुरू हो गए थे, अपनी ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल साइंसेस को भूल गए थे, अब वो वापिस रिवाइव हो रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे चल के हमारी जनरेशन फिर से वापिस अपनी जो पुरानी जो हमारी साइंसेस है उसके जरिए अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर पाएंगे। आप सबको मैं लास्ट में बस यही कहूंगा कि बदरवा और डोडा ये जो हमारा इलाका है ये बहुत ही पुराना इलाका है, इनका ये डिस्ट्रिक्ट भी बहुत पुरानी है। यहाँ पे अगर आयुर्वेदा का मेडिसिनल प्लांट्स का कोई सेंटर बन रहा है या फिर अलग अलग सेंटर्स बन रहे हैं हमारी खुशकिस्मती है और इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अपने जो ये एक हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट से जैसे पुराने शास्त्रों में भी रामायण में लिखा है कि मेडिसिनल प्लांट्स के जरिए क्या क्या बीमारियों के इलाज हो जाते थे, तो अगर इसमें हमारे डोडा भदरवा के रीजन को चुना है सरकार ने और मेडिसिनल प्लांट्स का यहाँ सेंटर बन रहा है तो हमें इसमें अपना योगदान देना चाहिए ताकि आगे हम इस डिस्ट्रिक्ट को, हमारी जो ये डोडा भदरवा वाला रीजन है, इसको हम एपी सेंटर बना सके पूरे देश का जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स, आयुष को प्रमोट कर सके और लोगों को यहाँ पे खींच के लाएं ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले एज वेल एज हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सके अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं फिर से आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हैप्पी आयुर्वेदा टू ऑल। थैंक यू सो मच।